हम एक बच्चों कंपनी का, हम एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का परफॉर्मा डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाती है। दूसरी बात मैं साथ साथ ये बता रहा हूं कि क्या कंपनी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है। यस करती है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ये शेड्यूल 3। दिस इज अ शेड्यूल 3 विच इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, शेड्यूल 3 ऑफ व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये फाइनल अकाउंट का शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 ऑफ अ कंपनी। मतलब यू कैन से P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज मेड इन दिस। और बच्चों जब तक आप ये चैप्टर नहीं समझोगे, आपको कंपनी के कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो कैश फ्लो समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। ये बेसिक चैप्टर्स तभी समझ आएंगे जब आपको कंपनी का ये वाला परफॉर्मा याद होगा, और दूसरा आपको पता होगा कि अब जैसे मैं बोलूं कंपनी की, अब एक नॉर्मली ध्यान से सुनना है, एक एक नॉन कंपनी एंटिटी उसका फाइनल अकाउंट क्या बनता है? उसका फाइनल अकाउंट बनता है ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, वो लेजर फॉर्म में बनता है। अब वो भी मैं एक बार को खोल देता हूं। अभी देखिए आप, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि यार ये वही चीज है मगर प्रेजेंटेशन कैसे कर दिया। चीज वही है मगर प्रेजेंटेशन कैसे कर दिया। मैं वो परफॉर्मा दिखा रहा हूं, देखिए आप, बहुत ही बच्चों इंटरेस्टिंग बात है। ये परफॉर्मा किसके लिए है, सोल या पार्टनरशिप फर्म के लिए ये परफॉर्मा है? वो पहले क्या बनाती है कंपनी, और ये लेजर फॉर्म में देखिए क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये अकाउंट क्या है, लेजर। अब ध्यान से सुनिए, ये भी लेजर है मगर लिखा हुआ है स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है ये लेजर? आप कहेंगे सर लेजर है, लेजर जैसा नहीं बना हुआ। सर क्या फर्क पड़ता है, लेजर जैसे ना बनाओ मगर लेजर ही है। जैसे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए इस वाले परफॉर्मा में आप क्रेडिट में क्या क्या ले रहे हैं, सेल्स माइनस, इस परफॉर्मा में आप यहाँ ले रहे हैं सेल्स, किसमें रेवेन्यू फ्रॉम क्या ले रहे हैं, यहाँ सेल्स माइनस क्या, सेल्स रिटर्न, ठीक है। और इस परफॉर्मा में सोल प्रोपराइटर में जो बाकी इनकम्स ले रहे हैं आप, ये वाली, ये जो अदर इनकम्स हैं जो PL के क्रेडिट में आती हैं, ये सारी इनकम ये वाली अदर इनकम्स में आएंगी। बहुत बढ़िया, ऑल इनकम्स, ये अदर इनकम्स, ऑल इनकम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कौन से वाली, यहां आ जाएंगी। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आ गई। बस उन्होंने क्या बोला, परफॉर्मा को किस परफॉर्म किस शेप में बनाओ, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ, और डबल एंट्री सिस्टम लगेगा मगर इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाओ, लेजर फॉर्म में मत बनाओ। और सेल्स को सेल्स मत लिखो, क्या लिखो, और अदर इनकम जो है डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और जो सारी इनकम्स हैं, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनको किसमें ले लो, तो ये हमारी कंपनी। और इसमें नो ट्रेडिंग क्या मत बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट मत बनाओ, डोंट ड्रॉ ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ क्या बनाओ, PL अकाउंट बनाओ, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ। अब जब ट्रेडिंग नहीं बनेगा तो इनकम्स क्या क्या है हमारे पास, सेल्स है, और क्या है, इनकम्स के नाम पर हमारे पास एक तो क्या है, सेल्स है, और अदर इनकम्स है, जैसे मैं नाम ले रहा हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट ऑफ गोडाउन, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, वो क्या कह रहे हैं, सबको कहां ले लो। फिर बोल रहा हूं ट्रेडिंग मत बनाओ, हो गई जी दो इनकम हो गई, इसको टोटल कर लो, हो गया देश से इसको क्या कर लो, टोटल कर लो, टोटल रेवेन्यू आ गया। अब वो कह रहे हैं एक्सपेंसेस, यहां से कौन सी साइड शुरू हो गई, डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट बिगेंस,
किसकी डेबिट साइट शुरू हो गई? पीएल अकाउंट की डेबिट साइट शुरू हो गई। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिगेंस। समझ आ रहा है? अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यदि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, इफ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, यदि कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर्स करती है, इफ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, तो उसको किसकी जरूरत होगी? मैन्युफैक्चरर को किसकी जरूरत होती है? रॉ मटेरियल की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है, और वो कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस व्हाट? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्या? टू परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आ जाएगा। लेकिन ये तब आएगा यदि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग भी, दोनों काम करती है। अब यदि कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग है, अब आप कहेंगे सर ये भी और खोल के बता दो कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है, तो इसका जवाब है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है। मान लीजिए आप गन्ना खरीद के लाए और चीनी बना रहे हैं, तो गन्ना इज रॉ मटेरियल एंड शुगर इज फिनिश गुड्स। और यदि आप शुगर बनी बनाई लाकर शुगर बेच रहे हैं, शुगर बना नहीं रहे हैं, तो आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो। तो आप तैयार, अब जितनी बाहर आप निकलते हो रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये रिटेल आउटलेट्स क्या हैं? ये ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग। और यदि मान लो कोई वो दुकानदार बोले कि नहीं सर मैं मसाले अपने पिसवाता हूं और फिर पैकेट्स में पैक करके बेचता हूं, तो वो दुकानदार क्या बन जाएगा? भी बन जाएगा, साथ साथ वो ट्रेडर भी है। तो माइंड के दरवाजे खुले रखने हैं, बिजनेस को मतलब जानना है। हमारा हर पेपर, हर सब्जेक्ट कॉमर्स वाले का बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है, उसके दिमाग में सिवाय प्रॉफिट, बिजनेस, इकोनॉमिक कोई पेपर पढ़ लो आप। आपको मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ये बिजनेस कम्युनिकेशन है। बिजनेस क्या है? प्रॉफिट कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पर की गई कोई भी एक्टिविटी जो लीगल हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और कॉन्टिन्यूटी हो, चाहे हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को या सर्विस प्रोवाइडर हो, दैट विल बी काउंटेड एज व्हाट? बिजनेस, वेरी वाइड टर्म। लेट आई बी अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर, आई शेल बी कॉल्ड अ बिजनेसमैन। एवरीबडी नोज इफ समबडी समटाइम वी आस्क यू, बेटा आपके पापा क्या करते हैं, घर में जो लाइवलीहुड है कैसे आता है, तो बच्चा दो ही जवाब देता है, या तो सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं। दो ही तरीके होते हैं, ज्यादा पॉपुलर तरीका तो तीसरा भी है कि जी वो रेंटल इनकम से काम चलता है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों को दो ही कैटेगरी में हम नॉर्मल बोलचाल में बांटते हैं, वन इज बिजनेस, सेकेंड इज सर्विस, विच आर मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। एंड हेयर वी आर बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट एवरी पर्सन इज आइदर अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर और अ सर्विस प्रोवाइडर। दीज आर द वेज। और कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए किसी का होटल है तो वो मैन्युफैक्चरर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। कैसे? रूम्स दे रहा है, रेस्टोरेंट भी है तो रेस्टोरेंट में मैन्युफैक्चरिंग करके खाना बेच रहा है, और रूम्स प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। रूम सेल को ही कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप ओला कैब हायर कर रहे हो तो वो अपनी गाड़ी को ही बेच रहा है आपको, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे छोड़ने की सर्विस दे रहा है, तो ही विल बी काउंटेड एज व्हाट? सर्विस
सर्विस प्रोवाइडर। अब ये देखिए, इसमें इनकम तो सारी किसमें आ गई इनकम, और किस हेडिंग में आ गई? कई बार बच्चों में जब इस परफॉर्मा को समझाता हूँ तो मैं बच्चों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे ही मेरे माइंड का एक आइडिया आता है। आप केक को सर्किल शेप में बना लो, रेक्टेंगल शेप में बना लो, ओवल शेप में बना लो, या आपको हार्ट में बना लो। केक के कंटेंट्स वही रहते हैं जो मोल्ड होता है, मोल्ड मतलब सांचा, जिस मोल्ड में आप वो चीज डालेंगे, चाहे वो आइसक्रीम ले लो चाहे केक ले लो, तो वो वही चीज बन जाएगी। आपने देखा कभी हम आइसक्रीम को कटोरी में जमाते हैं तो वो कटोरी की शेप की आ जाती है, कभी हार्ड जैसी कोई प्लास्टिक की डिब्बी में आप डाल दो जो उसका रॉ मटेरियल और सब तैयार करके तब वो गर्म होता है तो कोई भी शेप ले लेता है, उसके बाद जब आप उसे ठंडा करते हो चिल करते हो तो वो उसी शेप में आ जाता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंटेंट वही रहते हैं। अब आप कहेंगे ये लॉजिक यहाँ पर कैसे फिट होता है? ये लॉजिक बच्चों यहाँ पर ऐसे फिट होता है कि P&L वैसे ही बन रहा है, आइटम सारी वही है, नेट प्रॉफिट वही आएगा, भले ही आप उसको ऊपर इनकम लिख के लेस नीचे एक्सपेंडिचर कर दो, या आप क्या करो सेल्स और इनकम्स को क्रेडिट कर दो और खर्चों को क्या कर दो, सर आएगा तो नेट प्रॉफिट यही जो नीचे आना है, नेट प्रॉफिट तो सर यही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप वो परफॉर्मा ले लो या ये वाला ले। क्योंकि हो क्या रहा है, इनकम्स इकट्ठी हो रही है और खर्चे एक तरफ आ रहे हैं, और एंड में इनकम में से क्या घट रहे हैं, खर्चे घट रहे हैं, और जितने नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंडिचर या इनकम, जिनको हम जर्नल एंट्री में आइडेंटिफाई करते हैं कि क्रेडिट ऑल इनकम्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गेन्स एंड डेबिट द लॉसेस, तो वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है। जैसे कैसे, इसका एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ एक बैड डेट दिखेगा कहीं, तो बैड डेट इज अ लॉस, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, ये रहा। अब ये बैड डेट्स की कैटेगरी क्या है, लॉस है, मगर किधर आ रखा है, प्रॉफिट एंड तो लॉसेस भी आ रहे हैं, और ये सारे खर्चे हैं, ये सब क्या है, एक्सपेंस है, ये भी पीएल में आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस के किधर आ रहे हैं, डेबिट में, और इनकम्स किधर आ रही हैं, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स किधर आ रही हैं, क्रेडिट में आ रही हैं। अब आप यहां देखिए सेम हो रहा है, ये सब एरिया प्लीज यहां तक, ये सारा एरिया किसका है, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का है, या वो आइटम जो डेबिट साइड ऑफ पीएल में आती थी यदि हम लेजर फॉर्म में बनाते, जैसे मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये स्टॉक इन ट्रेड है कौन से वाला, गुड्स, ट्रेड गुड्स जिसमें हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये सब एम्प्लॉय को दी जाने वाली क्या है, सैलरी एक्सेट्रा, फाइनेंस कॉस्ट किसके लिए यूज हो रहा है, इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कवर्ड वेयर, अदर एक्सपेंस, तो सर ये एक तरह से कौन सी आइटम हो गई जो पीएल के किधर आ रही हैं, और इसमें नॉमिनल का कौन सा रूल लग रहा है, वन, जिसमें हम क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने कहा ना मेरा वाला एग्जाम्पल समझ लो, शेप चेंज करने से क्या हो रहा है, कंटेंट तो वही है ना। तो जो कंपनी अकाउंट्स में, कंपनी लॉ 2013 में उन्होंने बोला ये फाइनल अकाउंट बनाओ इस परफॉर्मा में बनाओ, हमने कहा सर हमें तो ये वाला परफॉर्मा आता है, उन्होंने कहा बोला जैसा हम बोल रहे हैं वैसे करो, लॉ में ये परफॉर्मा दिया गया। लॉ क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 इज अ लॉ जिसके शेड्यूल 3 में ये परफॉर्मा दिया गया, और मेरे पास, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूं, मेरे पास वो एक्ट भी इसी फोल्डर में जुड़ा हुआ है और उसके उसी पेज भी लिखा हुआ है जहां ये परफॉर्मा दिया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट, एक्ट
एक्ट मींस पास्ड इन द पार्लियामेंट बोथ द फ्लोर्स, जो पार्लियामेंट के दोनों फ्लोर्स पे पास हुआ है। एंड यू नो देर आर टू फ्लोर्स ऑफ पार्लियामेंट, वन इज लोकसभा। एन एक्ट बिकम्स एन ऑर्डिनेंस अ लॉ व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ द फ्लोर्स। कोई भी चीज कानून कब बनती है? जब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों फ्लोर्स पर पास हो जाती, तब वो कानून बनती है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 कानून कब बना? जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट रहा होगा जिसको लोकसभा राज्यसभा ने कहा होगा पास है, ये कानून बन गया। उस कानून के अंदर शेड्यूल 3 दिया गया है, तो ये परफॉर्मा तो किसी कानून में नहीं दिया गया है, ये जो ट्रेडिंग पीएनएल का है ये तो एक प्रैक्टिस में आ गया, लेकिन ये जो कानून में दिया गया है इससे हम बाउंड है, बाइंडिंग है। ये चीजें वही हैं, ध्यान से समझिए। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ऊपर, ऑल अदर इनकम्स विच आर क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऊपर आएगा। तो पीएल की क्रेडिट साइड यहां खत्म हो गई, आइटम 1, आइटम 2 में बस। अभी नीचे एक आध बार ये फिर खुल सकती है, और फिर बीच में कौन सी आइटम आ गई? पीएल की डेबिट, इसमें ट्रेडिंग नहीं बन रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जी यदि आप मैन्युफैक्चरर हो तो क्या करो? जी मटेरियल कंज्यूम ले लो, नहीं तो इसको आगे डैश लगा दो यदि नहीं हो तो। लेकिन आपने ट्रेड गुड्स बना बनाया माल खरीदा होगा, वो यहां लिख दो। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट की आइटम होता है, उसको इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय को दी जाने वाली सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो कुछ आप दे रहे हो एम्प्लॉयज को, क्योंकि वो आपके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आप उन्हें ये सैलरी बांट रहे हो, तो आप क्या करो? इसको पीएल में डेबिट में ले लो अक्रूअल बेसिस पे। अक्रूअल बेसिस क्या होता है बच्चों? मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स 1,20,000 आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ कितनी सैलरी आएगी? 1 लाख, क्योंकि 12 महीने की सैलरी ली। ये फाइनल अकाउंट में भी हम करते थे कि जब हमें कोई एक्सपेंडिचर लेना होता था तो कितने मंथ्स का लेते थे? 12 मंथ्स, वेदर पेड और नॉट पेड। और हम इनकम्स लेते थे तो 12 मंथ्स की लेते थे, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ठीक है। फिर आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये वही चल रहा है। किस बेसिस पे लेना है? अकाउंटिंग इज ऑलवेज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड जर्नल एंट्रीज, वी फॉलो विच बेसिस? इट इज अ मैंडेटरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल, ये तीन वो कॉन्सेप्ट है जो 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स अजम्पशंस हैं कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यार ये तो ग्रांटेड अक्रूवल बेसिस ही है। यदि मैं बोलूं कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी 10 महीने का 1 लाख आ चुका, यार अभी भाई 2 महीने का 10,000 और आना है या 20 और आना है, तो आप क्या बोलोगे? सर जो नहीं भी आया ना, आना है, प्लीज आप उसको रिकॉर्ड कर दो। और इवन ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि यदि बैड डेट्स होंगे, ध्यान से सुनना है, मगर अभी प्रोविजन है, अंदाजा नहीं लग रहा एक्चुअल कितने होंगे, तो ये कहता है टेंटेटिव अमाउंट का प्रोविजन बना दो, मगर लो अक्रूअल बेसिस पे। और इनकम्स को भी कौन से बेसिस पे लो? अक्रूअल बेसिस पे लो। तो मतलब ये हो गया, यदि हम ये बनाएं, ये भी किस बेसिस पे बन रहा है? ये जो परफॉर्मा है ये भी अक्रूअल बेसिस है। तो आप कहेंगे सर ये दो परफॉर्मा क्यों है? देखो बेटा, यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो किसी सोल प्रोपराइटर का या पार्टनरशिप, तो आप इस परफॉर्मा को फॉलो करो। एक पहले ट्रेडिंग बनाओगे, फिर पीएल बनाओगे, और सोल प्रोपराइटर में पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है और पार्टनरशिप फॉर्म में बनता है। और यदि आप यही फाइनल अकाउंट किसका कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग और पीएनएल टी शेप में, लेजर फॉर्म में नहीं बनाओगे। क्या करोगे? ये जो 2 पन्ने का परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा
मतलब समझ लो बाइबल है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज इट। आपको यही फॉर्मेट लेना पड़ेगा, बनेगा ये भी किस बेसिस पे, मगर वही केक वाला लॉजिक या आइसक्रीम वाला, इसका जो शेप होगा एस, अब हम कहेंगे सर क्या ये स्टेटमेंट फॉर्म में डेबिट एंड क्रेडिट यूज होगा, आंसर है यस होगा। आप कहेंगे सर वो तो यहां दिख नहीं रहा, अरे भाई हो रहा है, बिहाइंड द सीन हो रहा है, बिहाइंड द स्टेज हो रहा है। कैसे? सेल्स की एंट्री हो रही है, कैश टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स, तभी तो सेल्स अकाउंट की इनकम यहां आ रही है। इन्होंने ये कोई बोला लेजर मत बनाओ, इन्होंने कहा जो आप फाइनल अकाउंट का प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जिसमें आप प्रॉफिट और अपनी बैलेंस शीट दिखा रहे हो, उसको क्या करो, इस परफॉर्मा में ले लो, आइटम्स को इस ऑर्डर में लिखो, सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले लो, बाकी इनकम्स जो पीएल के क्रेडिट में आती हैं, बार बार मैं उनका नाम ले चुका हूं, दो बार, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, उन सबको अक्रूअल बेसिस में कहां ले लो, फिर इसका टोटल कर दो, यहां लिख दो, ये हमारा पहला पार्ट आ गया, उसके नीचे क्या शुरू कर दो, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में पहला हो गया मटेरियल कंज्यूम इफ मैन्युफैक्चरर, नहीं तो बना बना माल खरीदा, चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक घटाओ, और एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरी वगैरह ले लो अक्रूअल बेसिस पे, और फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट ले लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह, बिकॉज ये एक कंपनी है तो इसने किससे बोरो किया होगा, और ये भी अक्रूअल बेसिस पे लेना। अब आप मेरे मुख से बार बार एक वर्ड सुन रहे हो, अक्रूअल बेसिस, अक्रूअल बेसिस, खर्चों को 12 मंथ्स बेसिस पे लेना है। डेप्रिसिएशन ले लो जैसा आप लेते हो, इनटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर है, उस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको डेप्रिसिएशन ना कहकर क्या बोलते हैं, जैसे इनटेंजिबल असेट है जो दिखती नहीं है मगर होती है, तो उस पे जो आप डेप लगा रहे हो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और इसके बाद जो बाकी खर्चे बचे, जैसे बहुत सारे खर्चे अभी बचे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी टैक्स, और 100 खर्चे, 100 तरह के खर्चे, उन सबको किसमें ले लो। उन्होंने कहा आप बहुत खर्चे हैं, ऐसे तो लिस्ट कम पड़ जाएगी, तो आप अदर एक्सपेंसेस में ले लो। इसके बाद बच्चों हम जब ये सारे खर्चे ऊपर वाली इस इनकम में से घटाएंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उसका इन्होंने नाम रख दिया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड। अब ये एक्सेप्शनल आइटम को बोल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स होती है जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट तो आ ही गया ना, यहाँ प्रॉफिट तो ये आ ही गया। तो यदि आपको एक्सेप्शनल आइटम में बोल रहे हैं नॉन करंट एसेट्स को बेचने से कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट को प्लस कर दो, क्योंकि ये पहले ही प्रॉफिट आ गया है यहाँ, तो इसमें प्रॉफिट को प्लस कर दो, लॉस को माइनस कर दो। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में वो बोल रहे हैं ये रेयर होती हैं, बहुत ही रेयर होती है, और जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, या कोविड की वजह से कुछ रिलीफ सरकार ने बिजनेसमैन को दिया, तो ऐसे वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको बोला है उन्होंने पीबीटी, प्रॉफिट, इसमें टैक्स घटा दो, इनकम टैक्स, जो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स कंपनी के लिए एक खर्चा होता है, और सोल प्रोपराइटर के लिए इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता है, और कंपनी क्या होती है ये आपको बताया जा चुका है, जो जनता के पैसे से बिजनेस करती है। सोल प्रोपराइटर अपने पैसे से बिजनेस करता है तो वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके बिजनेस में उसी का पैसा लगा होता है। तो ये आ गया टैक्स एक्सपेंस, ये इनकम टैक्स घटा दो यहाँ जो खर्चा है, तो आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर पीएनएल समाप्त हो जाता है नॉमिनली। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसा आपको याद हो किसी को, तो एक पीएल अप्रोप्रिएशन बना करता था पार्टनरशिप, जब प्रॉफिट को इन पार्टनरशिप, यहां पर क्या बनेगा,
सरप्लस अकाउंट बनेगा हेयर, किसमें? कंपनी इन कंपनी, कंपनी में क्या बनेगा? और सरप्लस का मतलब है शेयर होल्डर्स को क्या देना है, डिविडेंड टू होम, ये किसमें आएगा? सरप्लस में आएगा। तो सरप्लस जो है बनेगा, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बनता था, पीएल अप्रोप्रिएशन, उसमें ये वाला प्रॉफिट जाएगा। कौन से वाला? प्रॉफिट आफ्टर, और उसमें से दो चीजें घटाई जाएंगी, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड जनरल रिजर्व वगैरह, एंड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो घटाया जाएगा। बस ये दो चीजें घटाने के बाद बचा हुआ सरप्लस बैलेंस शीट में ले आएगा। तो इतना आप ध्यान से सुन लो, पीएल अप्रोप्रिएशन कहाँ बनता है? वेयर डू वी मेक? पार्टनरशिप पार्टनरशिप में। एंड इन कंपनी अकाउंट्स व्हाट डू वी ड्रॉ? सरप्लस। उसी पीएल अप्रो का नाम बदल के क्या कर दिया? पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, सैलरी देते थे, यहां पर हम शेयर होल्डर्स को कोई सैलरी नहीं देंगे, क्या देंगे? डिविडेंड देंगे, और शेयर होल्डर्स के कहने पर उनका कुछ पैसा जनरल रिजर्व में या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में या किसी और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो वो भी किस में से घट जाएगा? सरप्लस में से घट जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट देखिए पहले कैसे बनती थी, दो साइड में, पहले का मतलब सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में, ये देखिए ये बनती थी बैलेंस शीट, करंट लाइब, ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी और कैपिटल, और इधर आती थी करंट एसेट, फिक्स एसेट्स एंड वॉट, बस दो चीजें आती थी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखिए आप, मैं आपको बताने लग रहा हूँ यहाँ पर बच्चों। बैलेंस शीट ऐसे देखो इधर प्लीज, बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, पहले आएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये, और यहाँ पर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, अभी मैं आपको परफॉर्मा भी दिखाऊंगा, फिर आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये बहुत रेयर होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, और फिर आएगा लास्ट में क्या, चार हेडिंग है यहाँ, जिसमें से तीन हेडिंग बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स फंड, ये सेकंड है, ये रेयर होता है, रेयर मतलब बहुत रेयर होता है, क्योंकि अनकॉमन आइटम है, इसका मतलब है शेयर होल्डर्स ने अप्लाई कर दिया मगर अभी तक हमने उनको शेयर्स अलॉट नहीं, बस तो ये रेयर ही होगा। और ये थर्ड है, बहुत कॉमन है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स इसी में आते हैं, और ये चौथा है करेंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल स्टॉक और क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इसमें आता है। तो इसके नीचे बनेगा ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, टी शेप में नहीं कि लेफ्ट में लाइबिलिटी राइट में एसेट्स, नो, स्टेटमेंट फॉर्म में पहले आप किसको खत्म करोगे, इक्विटी एंड, उसमें चार हेडिंग में लोगे, फिर उसके नीचे लोगे आप असेट्स, असेट्स में दो ही हेडिंग, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, और बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज आती हैं, तो ये टोटल और ये टोटल बराबर आएगा, मगर ये ऊपर से नीचे बनेगा वर्टिकली। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, यहां पर दिया है, इसमें आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी का मतलब खाली इक्विटी नहीं होता, इक्विटी ज्वाइंटली बोलते हैं शेयर कैपिटल को, इसमें दोनों शेयर कैपिटल आएंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस आएगा बैलेंस ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, जिसको यहाँ क्या कहा गया, सरप्लस, और रिजर्व्स, जो पैसा हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, तो एक तो ये हो गया शेयर कैपिटल आएंगी दोनों, रिजर्व एंड सरप्लस को किस में बनाएंगे हम, वर्किंग वर्किंग नोट्स में, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी एक तरह की क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, ये एक और तरह की इक्विटी शेयर कैपिटल होती है जिसका नाम ही शेयर वारंट होता है, ये लाइक इक्विटी कैपिटल होती है, फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत रेयर होती है, यहाँ आ जाएगी, यदि होगी तो बहुत नेगली कम चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा, डिबेंचर्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये हो गया
टैक्स, इनकम टैक्स लायबिलिटी जो अभी नहीं देनी है, फ्यूचर में देनी है लॉन्ग ईयर्स में, तो वो यहाँ आएगा, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यहाँ आएगा। अब आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। आपने सुना होगा बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, जो हम शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं, ये यहाँ आएगा। ट्रेड पेबल्स में आएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज में कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह है तो आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम आती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ओके क्योंकि इनकम टैक्स जो अभी आपने नहीं दिया मगर प्रोविजन बनाया है, वो एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, वो यहाँ आ जाती है। अब आ जाओ फिक्स एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स का नाम बदलकर क्या हो गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये पीपीई बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसके लिए AS 10 है, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा गुडविल वगैरह, प्लांट मशीनरी फर्नीचर मोटर व्हीकल किसमें आएंगे, ओके टेंजिबल जो है इसमें आएंगी। कैपिटल WIP का मतलब है कोई बिल्डिंग या फैक्ट्री प्रेमाइसेस अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें आएगा। इनटेंजिबल एसेट, यदि कोई आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई पेटेंट पे काम कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं जिससे कस्टमर्स को फ्यूचर में बहुत फायदा होगा, वो इसी में आएगा। मगर ये दोनों अभी बनकर तैयार नहीं हुए हैं। ये जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है, या आपका कोई बहुत मल्टी स्टोरी ऑफिस बन रहा है और उसको बनने में अभी 2 साल लगेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्क इन प्रोग्रेस। अब आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यदि इन्वेस्टमेंट की लाइफ मोर देन क्या है, 1 ईयर है, तो वो नॉन करंट हो जाते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एक तरह से एडवांस काइंड ऑफ इनकम टैक्स है, जो आपने पहले ज्यादा दे दिया मगर फ्यूचर में एडजस्ट होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ध्यान से सुनना, लोन्स एंड एडवांसेस यदि लिए हैं तो लाइबिलिटी है, दिए हैं लोन्स एंड एडवांसेस गिवन आएगा, टेकन क्या आएगा, गिवन, और वो भी लंबे समय के लिए। अगर नॉन करंट में कुछ रह गया होगा तो यहाँ आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, ये बच्चों करंट एसेट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट लेस देन कितने मंथ्स, वैसे में ये एकेडमिकली 12 मंथ्स मांगते हैं मगर बुक्स में छपा है ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल एक फाइनेंस का टर्म है, वर्किंग कैपिटल का टर्म है, तो यहाँ पर वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अजम्पशन ले लिया कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है कितने मंथ्स का होता है। ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं, जब रॉ मटेरियल को आप बनाना शुरू करते हो, फिनिश गुड्स, पहले वो आधा कच्चा WIP बनता है, फिर वो फिनिश गुड्स बनता है, फिर वो बेचा जाता है, फिर ग्राहक से पैसे मिलते हैं, और फिर आप उससे रॉ मटेरियल खरीदते हो। इस पूरे साइकिल को उन्होंने एक गोले का नाम दिया, उन्होंने कहा जी रॉ मटेरियल को आप किस में कन्वर्ट करते हो, WIP में, फिर क्या बनाते हो, फिनिश गुड्स, फिर आप वहां से बेचते हो, फिर वहां से क्या आता है, कैश, और फिर उससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। इस पूरे साइकिल में फिर वापस ये घूमता रहता है, आइट्रेशन। तो इसको वो ये बोल रहे हैं कि इसमें जितने महीने लगते हैं उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये दिया नहीं होता है तो एकेडमिक रीजन से इसको क्या माना गया है, 12 मंथ्स। इन्वेंट्रीज किसको बोलते हैं, स्टॉक को, इसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक भी होता है, WIP का भी होता है, फिनिश गुड्स का भी होता है, स्टोर्स का भी होता है, लूज टूल्स का भी होता है। और ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं डेटर्स प्लस किसको, PR माइनस PBD को, और कैश एंड कैश इक्वलेंट, इसमें कैश बैंक वगैरह, और 3 मंथ से कम मेच्योरिटी के इन्वेस्टमेंट, 3 मंथ से लेस मेच्योरिटी के, क्या इसी में आ जाते हैं, करंट में भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं, वो कैश एंड कैश इक्वलेंट में काउंट होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए 12 मंथ से लेकर 3 मंथ्स तक करंट में, और लेस देन 3 मंथ्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स हैं जो गिवन है, और अदर करंट एसेट्स यहाँ मिल जाते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बच्चों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है बैलेंस शीट में जो आइटम आती है, बैलेंस शीट कोई लेजर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज के लिए होता है, और ये कोई लेजर, इसमें लिखने से कोई अकाउंट का लेजर का बैलेंस क्लोज नहीं होता। करंट एसेट्स क्या है, जिनसे हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके, और करंट लायबिलिटी क्या है, जिसको हम जल्दी से 12 मंथ्स में पे कर सके।
समझे आप। ये बच्चों एक मैंने एक राउंड लिया इस परफॉर्मा का, क्योंकि इस परफॉर्मा के बगैर आप कोई भी, ये कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो कंपनी कैसे काम करती है उसके सोर्सेज देखा जाए तीन है, देखिए ध्यान से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है जो अप्रोप्रिएशन मतलब सरप्लस में आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है, और डिबेंचर्स को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। और कंपनी में जिनकी ज्यादा चलती है, जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो वोटिंग करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था एनुअल जनरल मीटिंग में जिन्हें बुलाया जाता है, वो कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के लिए रिस्क बियर करते हैं और कंपनी लिक्विडेट होने पर सबसे लास्ट में डिविडेंड पाते हैं और अपना पैसा लेते हैं, यदि बचा तो, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, तो दे सेक्रीफाइस एंड दे टेक द ह्यूज रिस्क, सो दे आर द ऑनर्स, ट्रू ऑनर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो काउंटेड एज वन ऑफ द ऑनर, बट दे आर कंसर्न फॉर देयर डिविडेंड एंड दे आर गॉट मिनिमम इंटरफेरेंस इन द नॉर्मल रूटीन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये बच्चों एक मैंने प्रयास किया कि स्टूडेंट्स को एक कोशिश की जाए कि ये शेड्यूल थ्री